गाज हमको तो आलू खोदने आता है नहीं, लेकिन बट ट्राई नाउ, देखते हैं खुदा रहा कि नहीं। कोशिश करते हैं गाज। हेलो गाज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग ब्लॉग। तो फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि अभी सुबह हो चुका है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। देखिए यहाँ पे इधर कितना सारा फॉग हो रखा है मेरे पीछे। और गाज आज का दिन का शुरुआत हो रहा है चाय और ब्रेड के साथ। तो चलिए चाय और ब्रेड मस्त खाते हैं लोग और उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे चाय और ब्रेड मस्त रेडी है, तो चलिए मस्त खाते हैं। और गाइस देखिए अभी हम चाय और ब्रेड शुरुआत भी नहीं किए हैं, तब तक अपना पूरा समाप्त कर दिया है। देखिए इधर देखिए गाइस यहाँ पे मेरा इसी तरह चाय और ब्रेड पड़ा हुआ है और अपना पूरा समाप्त कर दिया, मतलब एक पीस बचा हुआ है 5 पीस में। देखिए कैसे खा रही है अंजलि, थोड़ा अच्छा से खाओ। गाइस हमको दिए 3 गो और ये लिए 6 गो ब्रेड, बताइए आप 6 गो लिए है ना? 4 गो नहीं नहीं 3 गो दिए गाय, झूठ बोल रही है। तो गाय अभी हम लोग चाय और ब्रेड खा लिए हैं लोग। और गाय कल पापा जी आए थे मतलब दुकान पर से, तो देखिए यहाँ पर खाना खा रहे हैं और अभी जा रहे हैं दुकान पे खाना खाकर। तो गाय पापा जी चले गए नेपाल में और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए। और आज हम लोग को जाना है आलू के खेत में। तो गाय अभी खाना वगैरह आ चुका है, देखिए देखिए गाय खाने में है चावल है और आलू बैंगन का सब्जी है और यहाँ पर चटनी है। तो चलिए गाइस मस्त इसको फिनिश करते हैं। तो गाइस अभी खाना वगैरह हो चुका है कंप्लीट और अभी हम लोग जा रहे हैं, हम मम्मी जी और अंजलि और 2 लेबर लोग हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आलू के खेत में। तो चलिए गाइस मस्त चलते हैं लोग आलू के खेत में, मतलब आलू बाड़ी में चलते हैं लोग। तो चलिए और देखिए गाइस इधर अंजलि एकदम मस्त अपना कपड़ा साफ कर रही है। देखिए गाइस यहाँ पर अंजलि एकदम मस्त अपना कपड़ा साफ कर रही है। तो गाइस अभी हम लोग स्नान वगैरह कर लिए हैं लोग और देखिए यहाँ पर क्या मस्त एकदम धूप निकला हुआ है एकदम चारों तरफ। और गाय देखिए यहाँ पे अंजलि है और आज हम लोग का मतलब 13 था, मतलब एक शंकर जी और पार्वती जी का पूजा होता है, तो वहीं पूजा आज देखिए यहाँ पे हुआ है। देखिए गाय यहाँ पे पूजा संपन्न हो चुका है। तो गाय जब हम लोग यहाँ पे ईंट के पास मतलब बांस का पांझा वगैरह बोलता है तो हम लोग लगाए थे लोग, तो अभी हम लोग उसको तोड़ दिए हैं लोग, इतना सारा यहाँ पे बांस निकला हुआ है। तो गाय जब मतलब द्वार पर से हम लोग ले जा रहे हैं खेत में रख दे रहे हैं वो ले जाकर, तो चलिए इसको रख देते हैं खेत में मस्त। तो गाइस देखिए बांस को हम ले जा रहे हैं खेत में द्वार पर से, देखिए यहाँ पे और मम्मी जी भी ले जा रही है और अंजलि भी, तो चलिए इसको रख देते हैं खेत में मस्त। तो गाइस देखिए यहाँ पे बांस को रख दे रहे हैं, तो चलिए और लाते हैं, और बहुत ज़्यादा बांस है तो चलिए उसको ला कर यहाँ पर रख देते हैं मस्त। तो गाइस द्वार पर जितना सारा बांस था वो सब ला कर यहाँ पर खेत में रख दिए लोग, देखिए हम मम्मी जी और अंजलि, मम्मी जी यहाँ पे और अंजलि उधर खड़ी है। तो गाइस जब हम लोग बांस को मतलब खेत में रख रहे थे तो अभी अभी हमारे नाना जी आ चुके हैं। नाना जी आप कैसे हैं, बोलिए कैसे हैं? ठीक है। तो गाइस हम तो गए थे लेबर वगैरह खोजने के लिए, तो लेबर तो नहीं मिला, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने से मतलब आलू खोदने के लिए। तो चले गए चलते हैं मस्त खेत में और अपने से हम मम्मी जी और अंजलि आलू खोदेंगे लोग। तो चले गए चलते हैं मस्त खेत में आलू खोदने के लिए। देखिए गाइस ये आलू वाला खेत है मेरा और देखिएगा जहाँ से, और देखिएगा जहाँ पर मम्मी जी एकदम मस्त लग गई है आलू खोदने में। देखिए यहाँ पर आलू निकाल रही है, बहुत सारा आलू है। देखिएगा जब हम लोग यहाँ पे इतना सारा आलू निकाले हैं लोग, तो चलिएगा जब हम भी मतलब आलू खोदते हैं, हम भी लग जाते हैं इसमें एकदम मस्त। देखिएगा यहाँ पे मतलब इतना छोटा और इतना बड़ा आलू बैठा हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम मतलब इसको हम खुरपी बोलते हैं देहाती भाषा में, तो चलिए इसी खुरपी से हम जा रहे हैं आलू खोदने के लिए मस्त। तो चलिएगा हम भी लग जाते हैं मस्त आलू खोदने में। देखिएगा यहाँ पे हम भी आलू खोद रहे हैं मम्मी जी के साथ। देखिएगा यहाँ पे मम्मी जी खोद रही है और बगल में यहाँ पे हम खोद रहे हैं। तो चलिए आलू खोद लेते हैं सबसे पहले। गाज हमको तो आलू खोदने आता है नहीं, लेकिन बट ट्राई नाउ, देखते हैं खोदा रहा कि नहीं। कोशिश करते हैं गाज। तो गाज अभी हम लोग आलू खोद रहे थे, देखिए यहाँ पे नाना जी मस्त बैठे हुए हैं। देखिए गाज यहाँ पे नाना जी मस्त बैठे हुए हैं, इनको भी आलू मतलब खोदवाना चाहिए क्या? तो बैठे हुए मस्त आराम कर रहे हैं बैठ कर। नाना जी आलू खोदवाइए, आलू खोदवाइए ना, क्या दिक्कत है? तो गाज अभी हम आलू खोद रहे थे, मम्मी जी बोल रहे कि राशन लाने के लिए, तो गाज अभी हम जा रहे हैं मस्त राशन लाने। तो चलिए गाज चलते हैं मस्त। तो गाइस जब हम मतलब आलू वाले खेत से निकल चुके हैं और अभी हम मतलब जा रहे हैं राशन लाने के लिए, तो अभी हम मतलब घर में से गाड़ी निकालेंगे और उसके बाद जाएंगे राशन लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर मस्त जाएंगे राशन लाने के लिए। तो गाइस देखिए अभी हमने मस्त गाड़ी निकाल ली है घर में से और अभी हम जा रहे हैं मस्त राशन लाने के लिए। तो चलिए गाइस मस्त चलते हैं यहाँ से। तो गाइस देखिए अभी हम राशन वगैरह यहाँ पर ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मस्त घर। तो चलिए तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे राशन लेकर, देखिए और अभी हम जा रहे हैं फिर से खेत में, मम्मी जी खेत में वहाँ पे आलू खोद रही है और वहीं पे हम जा रहे हैं मस्त खेत में। तो चलिए गाइस चलते हैं मस्त खेत में
और आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब कितना आलू खोदा गया है। देखिए गाइस यहाँ पे मम्मी जी है और इतना सारा आलू अभी हम लोग खोदा गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आलू अभी खोदा गया है और अभी खोदना बाकी है, इधर बहुत सारा आलू भी खोदना बाकी है। तो चलिए गाइस इसको भी खोद लेते हैं आलू को, और उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। और देखिए गाइस यहाँ पे अंजलि भी आ गई है कोड़ने के लिए, आलू एकदम मस्त कोड़ रही है, और इधर मम्मी जी कोड़ रही है, दोनों एकदम मस्त लगे हैं कोड़ने में आलू को। और अभी मस्त हम यहाँ पे अपना वीडियो बना रहे हैं, ये लोग अपना कोड़ रहा है लोग। चलो अंजलि कोड़ कोड़ बढ़िया से सब आलू निकाल दे रहा है कोड़ कर। गाइस मम्मी जी और अंजलि यहाँ पे आलू खोद रहा है लोग, और अभी हमको मतलब भूख लग गया तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं, बस सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे आलू वाले खेत में, आलू के बाड़ी में। तो चलिए, और देखिए गाइस मेरे नाश्ते में आ चुका है, यहाँ पे भुजा है, नमकीन है और मूली है। तो चलिए गाइस मस्त खाते हैं। तो गाइस नाश्ता वगैरह हो चुका है कंप्लीट, और अभी हम जा रहे हैं खेत में मम्मी जी के पास। देखिए गाइस मम्मी जी यहाँ पे आलू खोद रही है, मम्मी जी नाश्ता वगैरह कर लीजिए। और देखिए गाइस अंजलि यहाँ पे खोद रही है आलू, खोदो खोदो थोड़ा अच्छा से खोदो, एकदम पूरा निकालना आलू, जितना मिट्टी में आलू है वो सब निकाल देना है। ठीक है अंजलि जी, बोलो। अरे बोलो ना। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं छत पे, देखिए यहाँ से छत का नजारा कुछ ऐसा है। और यहाँ पे देखिए हमने इतना सारा आलू इकट्ठा किया है, अभी देखिए इतना सारा आलू इकट्ठा हो गया है, और अभी मतलब और बाकी है। तो मम्मी जी और अंजलि लोग कोड़ रहा है लोग। तो गाइस देखिए यहाँ पे मम्मी जी और अंजलि आ चुका है लोग खेत में से आलू खोद कर। मम्मी जी आलू खोद कैसा लगा? अच्छा लगा। और अंजलि तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। और गाइस देखिए यहाँ पे अभी शाम होने को चला है, मतलब शाम हो गया है, और अभी मैं जा रहा हूँ कपड़ा वगैरह फटाफट पहन लेने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं, मैं सबसे पहले कपड़ा पहन लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखिए गाइस मैं कपड़ा वगैरह पहन लिए हैं, और देखिए आप अंजलि एकदम मस्त आरती घुमा रही है। अंजलि आरती ऐसे से घुमाओ, थोड़ा सा एकदम बढ़िया तरीके से घुमाओ। गाइस इस घर में से आरती घुमा कर और फिर नए वाला घर में ले जाएगी आरती। देखिए अभी नए वाला घर में जा रही है आरती घुमाने के लिए वहाँ पे। गाइस अभी हम लोग आलू कोर लिए हैं, आधा बचा है तो कल कोरेंगे, अभी हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो गाइस अभी अंजलि जा रही है पढ़ने के लिए, मतलब सुबह भी जाती है और शाम में भी जाती है ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो जाओ अंजलि, अंजलि कहाँ जा रही हो पढ़ने? तो गाइस देखिए अभी रात हो चुका है और अंजलि मतलब पढ़ने गई थी, पढ़कर आ गई है। अंजलि बताओ क्या क्या पढ़ी है? मैथ पढ़े हैं। तो चलिए गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।